ये खड़गपुर है और यहाँ पे मैं रुका हूँ क्योंकि मेरा जो दोस्त आ रहा था उसकी बाइक में पीछे का ब्रेक में कुछ इशू हो रहा है। यहाँ का रास्ता बहुत ही खराब है भाई। आ गए भाई दोस्तों, यहाँ का नज़ारा देखिए भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको थंबनेल देख के ही पता चल गया है। अभी टाइम हो रहा है सुबह की 5:35, तो लगभग यहाँ से 350 किलोमीटर दूर है केवनझर। देखते हैं कितना टाइम लगता है। गूगल मैप तो दिखा रहा था कि 7 घंटा 7.5 घंटा लगेगा। रास्ते में कई जगह रुकना पड़ेगा। एक्चुअली क्या हुआ, हम लोगों को निकलना था 5 बजे और मुझे नींद से उठना था 4 बजे, तो मेरा एक बार नींद टूटा था 3:30 बजे। मैं सोचा आधा घंटा सो लूँ उसके बाद फिर उठेंगे। वो जो मैंने सोया और 4:45 बजे मेरा एक दोस्त फ़ोन किया, तब जाके मेरा नींद टूटा, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया है। टोटल हम लोग 3 दोस्त जा रहे हैं। मेरे बाइक में मैं अकेला हूँ, मैं सोलो राइड कर रहा हूँ और आगे मेरा 2 दोस्त जा रहा है एक बाइक में, तो ये टोटल 3 लोग हम जा रहे हैं। ये आ गया है बेलगोरिया एक्सप्रेस वे, यहाँ से टोटल दिखा रहा है 352 किलोमीटर और अभी टाइम हो रहा है 5:40। चलिए कुछ देर चलने के बाद फिर मिलते हैं, वीडियो पे बने रहिए। अभी हम लोग ये सर्विस रोड छोड़ के हाईवे पे चलेंगे। तो ये हम आ गए हाईवे पे, अभी हम लोग डानकुनी के आसपास है, तो यहाँ से अभी 333 किलोमीटर बचा है। अभी टाइम हो रहा है 6:05। मेरा वो दोनों दोस्त आगे चला गया है बहुत, मैं जैम में फंस गया था और ट्रैफिक भी मिला था मुझे, रेड सिग्नल पे अटक गया था मैं। हम लोग कोलाघाट पे जाके एक साथ मिलेंगे। रास्ते में अगर वो लोग कहीं रुकेगा तो ही मुलाकात होगा, नहीं तो कोलाघाट जाके मिलेंगे। अभी हम लोग कोलाघाट के आसपास है, कुछ देर बाद कोलाघाट का बीच मिलेगा। लास्ट 2-3 दिन में लगातार कोलकाता में बारिश हुआ था, शुक्र है कि आज मौसम ठीक है। अभी टाइम हो रहा है 6:35 और हम लोग लगभग आ गए 55 किलोमीटर। बहुत देर से भूख लगा है, सुबह से कुछ नहीं खाया है। अभी कोलाघाट जाके कुछ खाना खाएंगे, उसके बाद फिर से चलेंगे। पता नहीं, शायद मेरे दोस्त लोग बहुत आगे निकल गए क्योंकि मैं ट्रैफिक में फंस गया था और मैं उतना तेज भी नहीं चला रहा हूँ, मैं थोड़ा धीरे चला रहा हूँ। एक्चुअली लॉन्ग राइड में ये मेरा फर्स्ट जर्नी है जो कि मैं सोलो ड्राइव कर रहा हूँ और मैं अकेला इतना दूर चलाऊँगा, तो पहले तो थोड़ा सा नर्वस लग रहा था, पर अभी ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है। ये आगे रूप नारायण नदी, तो कोलाघाट में रुक के हम लोग थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लिए। हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स अभी खड़गपुर की तरफ। यहाँ से देखिए 2 रास्ते जाते हैं, एक जाता है लेफ्ट हैंड साइड में और एक जाता है स्ट्रेट। अगर आपको दीघा जाना है तो लेफ्ट हैंड साइड आपको पकड़ना होगा और सीधा आप जाओगे तो खड़गपुर जाओगे आप। तो हम लोग खड़गपुर की तरफ जा रहे हैं अभी। यहाँ से अभी केवनझर टोटल 256 किलोमीटर बचा है। गूगल मैप दिखा रहा है कि दोपहर के 1 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे हम लोग, बट हम लोग रास्ते में खाना वाना खाएंगे, थोड़ा चाय वाय पियेंगे, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, शायद दोपहर 3 या 4 बजे पहुंच जाएंगे हम लोग। लगभग घर से 100 किलोमीटर आगे है हम लोग। पता नहीं मेरा दोस्त कहाँ चला गया, बहुत आगे निकल गया होगा, कोई नहीं धीरे धीरे कवर कर लेंगे। आगे टोल है, ये बाइक के लिए बहुत अच्छा है टोल, क्योंकि बाइक का कोई चार्ज नहीं लगता है। ये थोड़ा लोकेलिटी आ गया है फिर से, यहाँ पे थोड़ा सा जैम मिलेगा शायद। अभी यहाँ से केवनझर गूगल मैप बता रहा है कि 246 किलोमीटर बचा है। बहुत ही अच्छा रोड है। अभी टाइम हो रहा है 8:10, अभी केवनझर बचा है 236 किलोमीटर।
ये खड़गपुर है और यहाँ पे मैं रुका हूँ क्योंकि रुकने का कारण है, मेरा जो दोस्त आ रहा था उसकी बाइक में पीछे का ब्रेक में कुछ इशू हो रहा है, इसलिए वो रुक गया था। 15-20 मिनट तो हो गया है, अभी उसका कॉल आया था, वो बोल रहा है कि अभी उसका बाइक ठीक हो गया है और वो अभी वहाँ से निकल रहे हैं। और वो मेरे से टोटल 27 किलोमीटर पीछे चल रहा है, लगभग 25 या 30 मिनट तो लग ही जाएगा उसको आने में, तो तब तक यहाँ पे रुकते हैं। अभी टाइम हो रहा है सुबह की 9 बजे, मेरा दोस्त फ़ोन किया था, अभी उसको 15 या 20 मिनट लगेगा। ये चलो अच्छा है कि उसको बाइक ठीक हो गया, वो अभी आ रहा है, चलिए वेट करते हैं। तो मेरे दोस्त आ गए हैं, तो अभी टाइम हो रहा है 9:15 और अभी खड़गपुर से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से टोटल 221 किलोमीटर बचा है केवंझर। अभी टाइम हो रहा है 9:20, बहुत बढ़िया रास्ता है आप देख सकते हो दोस्तों। अभी टाइम हो रहा है 10:00 और यहाँ से केवंझर टोटल 200 किलोमीटर बाकी है। रास्ता देखिए भाई लोग, एकदम स्ट्रेट, बहुत ही अच्छा रास्ता है और दोनों साइड में हरियाली और हरियाली है भाई। आगे देखिए भाई, बिना हेलमेट के, वो भी 3 सवारी। यहाँ पे एक ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, पता नहीं ये कौन सा ब्रिज है। एक्चुअली क्या हुआ था, हम लोग गलत रास्ते पे आ गए थे, मैप फॉलो नहीं किए थे, वहां से फिर यू टर्न लेके उसके बाद हम जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों को नीचे से आना था और हम लोग क्या किए, ऊपर से चले गए, तो ये है सही रास्ता। अभी टाइम हो रहा है 10:35 और यहाँ से केवंझर अभी बचा है 158 किलोमीटर। तो यहाँ पे अभी पेट्रोल भरवाएंगे, लगभग 200 किलोमीटर से ज़्यादा ही आ गया मैं हम लोग, अब आज माइलेज भी कर लेंगे टेस्ट। हालांकि कुछ दिन पहले मैंने किया था माइलेज टेस्ट, आज भी करूँगा, देखते हैं कितना देते हैं, क्योंकि उस दिन तो 39 दिया था, मुझे कुछ अजीब लगा था कि 39 दे रहा है, तो आज फिर से मैं करूँगा एक बार माइलेज टेस्ट, देखते हैं कितना देता है। ट्रिप बी को कर लेते हैं 0, ठीक है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा नजारा है और रास्ता देखिए, यहाँ पे डाइवर्शन है। फाइनली फिर से आ गया अच्छे रोड। क्या नजारा है भाई, आगे देखिए भाई पहाड़ है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं। अभी टाइम हो रहा है 11:15 और यहाँ से केवंझर 130 किलोमीटर बचा है। अभी भाई ये रास्ता डेंजर है क्योंकि यहाँ से दोनों साइड से गाड़ी आ रहा है और जा रहा है और रास्ता भी ज्यादा अच्छा नहीं है, थोड़ा गड्ढे है रास्ते पे, मोड़ बहुत है यहाँ पे, इसलिए
बाइक थोड़ा धीरे चलाना होगा। यहाँ पे पीछे लिखा हुआ था कि सावधान आगे बंदर है। ओ भाई ये क्या हुआ, पूरा पलटी हो गया है, इसलिए रास्ता पूरा जैम हो गया। यहाँ पे अभी एक ही गाड़ी जा सकता है, पता नहीं ऐसा रास्ता कब तक चलेगा। ये एक मंदिर है सामने शायद, हाँ यहाँ पे हम लोग आए थे बहुत दिन पहले, इसको देख के याद आ रहा है, पहले भी ये मंदिर पे मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पे जो सामने दुकान है ना, वहाँ पे मैंने चाय पिया था, तब ट्रेन से आए थे, अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आप लोग अगर देखोगे तो रास्ता थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है। ये मेनली शिमलीपाल का फॉरेस्ट है, यहाँ का रास्ता बहुत ही खराब है भाई। ये लास्ट 15-20 मिनट से हम चल रहे हैं हम लोग, तो बहुत ही खराब है रास्ता। ये आगे मेरा दोस्त जा रहा है, उसके पास रॉयल एनफील्ड का मीटियोर है, मीटियोर 350, और मैं लेके जा रहा हूँ रॉयल एनफील्ड का हंटर 350। पहले ही मैंने बताया था कि मैं कर रहा हूँ सोलो ड्राइव, और मेरा दोस्त एक पिलियन लेके जा रहा है, मतलब वो भी दोस्त ही है। अभी टाइम हो रहा है 11:30, और अभी भी 125 किलोमीटर बचा है। हम लोगों का कोई होटल बुक नहीं है पहले से, क्योंकि ऑनलाइन नहीं मिल रहा था, तो केवनगढ़ जाके हम लोग होटल ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा वहाँ पे जाके, और जो भी मिलेगा आपको बताएंगे, पूरा डिटेल्स देंगे कि कितना प्राइस है, रूम का कंडीशन क्या है, सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा। फिर से आ गया खराब रास्ता भाई। तो अभी थोड़ा सा अच्छा रास्ता आ गया है, अभी टाइम हो रहा है 11:40, और अभी भी 118 किलोमीटर बचा है केवनझर के लिए। अभी टाइम हो रहा है 12:20, और यहाँ से केवनझर अभी 84 किलोमीटर बाकी है। अभी टाइम हो रहा है 12:45, और यहाँ से टोटल 66 किलोमीटर बाकी है। दोस्तों यहाँ का रास्ता देखिए भाई, और दोनों साइड पूरा जंगल ही जंगल है। ये आगे मेरा दोस्त जा रहा है, जो ड्राइव कर रहा है उसका नाम है अरिंदम पाल, और जो पीछे बैठा है एज ए पिलियन उसका नाम है अरिंदम दास, तो दोनों का नाम ही अरिंदम है। दोस्तों यहाँ का रास्ता देखिए कितना अच्छा रास्ता है, यहाँ पे ये ट्रक अगर नहीं रहता तो ज्यादा अच्छा व्यू आता। ये देखिए रास्ता सीधा गया है। तो भाई GoPro में बैटरी ज़्यादा बचा नहीं है, तो मुझे बैटरी चेंज करना होगा, दिखा रहा है 2% बैटरी, तो नेक्स्ट जहाँ पे रुकेंगे वहाँ पे बैटरी चेंज करना होगा मुझे, और फिर जाके मैं वीडियो कर पाऊँगा। तो यहाँ पे बैटरी चेंज कर दूँगा मैं अभी, अभी थोड़ा सा हॉल देते हैं, थोड़ा कमर ना पेन कर रहा है भाई, अभी टोटल 300 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया। तो GoPro में मैंने नया बैटरी डाल लिया है वहाँ से, ओडिशा का शिमलीपाल फॉरेस्ट है ये, चारों तरफ शिमलीपाल का फॉरेस्ट है। पीछे एक साइन बोर्ड भी था, साइन बोर्ड पे ये लिखा हुआ था कि जो जंगल के हाथी है वो कभी कभी रोड पे आ जाता है, तो ध्यान से गाड़ी चलाना, ऐसा कुछ लिखा था। ब्रिज को देखिए कितना मस्त है, और यहाँ से 25 किलोमीटर बचा है। भाई यहाँ का नजारा देखिए एक बार, ये है केवनझर। अभी टाइम हो रहा है 1:45, और यहाँ से 11 किलोमीटर बचा है, देखिए कितना अच्छा जगह है।
मैं तो बोलूंगा सबको आने के लिए भाई, यहाँ पे आके जरूर एक बार घूम के आइए। नेचर ब्यूटी बहुत ही अच्छा है, एक ठंडा ठंडा सा वेदर फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। ओ भाई कहाँ आ गए, देखिए चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। मैं तो बोलूंगा जो लोग बाइक राइडिंग करते हैं केवंझर एक बार जरूर आइए, रास्ता बहुत ही अच्छा है और नेचुरल व्यू भी आपको बढ़िया मिलेगा। अभी टाइम हो रहा है 2 और यहाँ से बोल रहा है कि 5 किलोमीटर बाकी है, तो हम लोग पहुँच ही गए। हम लोग यहाँ से सीधे जाएंगे OTTC केवंझर होटल में, वहाँ पे पहले देखेंगे रूम अवेलेबल है या नहीं है। अगर वहाँ पे रहता है तो OTTC पे ही स्टे कर जाएंगे, अगर वहाँ पे नहीं होगा तो फिर ढूंढना होगा फिर से। सच में पूरा केवंझर का रोड, बीच में 2-4 किलोमीटर अगर हटा दो आप तो पूरा रोड ही अच्छा है। हम लोग पहुंच गए, वो आगे रहा OTTC का होटल। अभी टाइम हुआ है 2:07। रात में एसी नहीं रहेगा, दिन में एसी रहेगा। दिन में रहेगा 7-8 बजे तक, रात में रहेगा, रात में रहेगा। ये रहेगा नहीं, हम पेंशन नहीं बोल सकते, ये लगातार पहुँच गया था, कल गया था, आज जाएगा नहीं क्या। अच्छा अच्छा, रात पर जनरेटर चलेगा, टाइम रहेगा। कौन सा फ्लोर में ये बोला, यहाँ पर नहीं, ये साइड में, पीछे में, पीछे में, पीछे के शूट है। 2 दिन हाँ, इसका कितना प्राइस पड़ेगा जो आप बोल रहे हैं? ये 1456 डिलक्स, 2-2 2800, 2500 प्लस जी एस टी। रूम देख सकते हैं, एक बार सूट वाला भी दिखा दीजिए और डिलक्स वाला भी दिखा दीजिए दोनों। ये आपका सूट है? अच्छा, एक्स्ट्रा मैट्रेस मिल जाएगा? अच्छा 250 रुपये। बाथरूम देख लेते हैं। ये 2800 रुपये डिलक्स वाला, एक बार दिखा दीजिए। ये है डिलक्स वाला, ये मिडिल में सो नहीं पाएगा। तो ये वाला कितना बोला आपने प्राइस? 1300 रुपये। टोटल कितना होगा? 1426।